फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइस देखिए, आरबीआई ने तो बहुत तगड़ी रफ्तार पकड़ ली। मतलब ये स्टॉक अब रुकने का नाम नहीं ले रहा, बैक टू बैक अपर सर्किट लगाया जा रहा है। मतलब आप देख रहे हो उस स्टॉक के बारे में। देखिए पीएसयू कंपनी कहते हैं ना कि भागेगी नहीं, लेकिन अब आप इसको ही देख लीजिए। पीएसयू कंपनी को पिछले 5 दिन के अंदर 31% तक चढ़ चुका है और 1 महीने के अंदर भी आप देख सकते हो 6 महीने के अंदर 117% का रिटर्न। बहुत रेयर कंपनीज होती है। 75,000 करोड़ का मार्केट कैप हो गया, जिस तरीके से इसके अंदर तेजी देखने को मिल रही है। तो गाइस टाइम वो दूर नहीं जब ये लार्ज कैप के अंदर काउंट होने लग जाएगी कंपनी। सो जैसे कि आपको पता है, जैसे मोदी आ जाएंगे ना, तो गाइस इस कंपनी ने तो काफी अच्छा रिटर्न दे ही देना। देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयर लगातार फोकस में ही है एंड कंपनी के शेयरों में कल के दिन काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। 5% तक इसने अपर सर्किट लगाया था, देन आज के दिन भी 6.5% चढ़कर अपर सर्किट, मतलब एक सर्किट के दौर में जा रहा है। मतलब एक अच्छी तेजी देखने को मिली। मॉर्निंग में काफी अच्छी ग्रोथ थी, 372 तक गया था स्टॉक। देन उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा आप कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, तो स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल जाती है। 2 दिन में ये शेयर 15% चढ़ चुका। गाइस पिछले 1 से लेकर 3 साल में इस शेयर ने अपने निवेशकों को मल्टीपल रिटर्न दिए हैं। फाइनेंशियल 2023-24 के लिए जनवरी मार्च क्वार्टर के मजबूत नतीजों के कारण मल्टीपल रेलवे पीएसयू के शेयर इस हफ्ते, मतलब इस वीक में लगातार 52-वीक हाई पर पहुंच गए। मंगलवार 21 मई को पीएसयू को दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय इलेक्ट्रिकल से एक बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद कल के दिन काफी अच्छा उछाल भी आया था। गाइस काफी अच्छा बड़ा ऑर्डर मिला है। देखिए मार्च क्वार्टर के दौरान मजबूत रेवेन्यू में तेजी और बेहतर परिचालन प्रदर्शन के कारण आरबीआई का नेट प्रॉफिट 35% से बढ़कर 478 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह 360 करोड़ पे था। मतलब कि आप कह लीजिए कि लाइक जो परिचालन राजस्व है, जो इनकम है, 90% से बढ़कर 6,714 करोड़ पे हो गई। एंड फाइनेंशियल 24 की फोर्थ क्वार्टर में ब्याज, मतलब इंटरेस्ट कर डेप्रिसिएशन पर जितना भी इसमें ईबीटा था इसका, वो पहले से पीएसयू की कमाई से 21% से बढ़कर 456 करोड़ पे हो गया, जबकि एक साल पहले की ही इसी टाइम पीरियड में 374 करोड़ पे था। गाइस ईबीटा मार्जिन 6.8% से पर आ गया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 6.6% पे था। आरबीआई के बोर्ड ने फाइनेंशियल 2024 के लिए प्रति इक्विटी शेयर 2 रुपए का, मतलब कि आप कह लीजिए इंटरिम डिविडेंड भी या फिर भुगतान की गई इक्विटी शेयर पर पूंजी जो 21% डिविडेंड भी दिया, जो आगामी वार्षिक आम बैठक, मतलब जिसको आप एजीएम मीटिंग कहते हो, है ना, उसके अंदर शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिली है। एंड अंतिम, मतलब जिसको हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, उसका भुगतान है वो एजीएम में इसकी घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। आरबीआई के शेयरों में लगातार तेजी देखी जा रही है और फोर्थ क्वार्टर में इसके मजबूत प्रदर्शन के बाद ब्रोकर सिफारिशों पर बैक टू बैक अपर सर्किट लगा। गाइस आरबीआई के शेयर, मतलब कि लाइक कल के दिन 343 रुपए पे खुले थे, जो कि आपको यहाँ पे 343, मतलब हाँ ऐसे था 343 रुपए पे, मैं बता रही हूँ ना, खुले थे एंड 4% से बढ़कर 359 रुपए पे पहुंच गए थे। गाइस मंगलवार को भी इसने अपने 52-वीक हाई को टच किया था। एंट्रेड लाइन डेटा के मुताबिक आरबीआई ने पिछले एक साल में निफ्टी 50 से और सेंसेक्स की तुलना में बेहतर रिटर्न दिया। पिछले एक महीने में रेलवे पीएसयू ने 32% का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने हमेशा 2% और 1.50% तक का रिटर्न दिया है। पिछले एक साल में आरबीआई ने इन्वेस्टरों को डबल टिपेगा 193, मतलब आप देख सकते हो। अगर मैं बताऊँ आप लोगों, पिछले एक साल के अंदर जैसे कि इसने 200% का रिटर्न दिया, 200% से ज्यादा का रिटर्न देता हुआ देखने को मिला है। तो गाइस ऐसी कंपनी जो आपको निफ्टी सेंसेक्स से भी ज्यादा अच्छा रिटर्न दे जाए, बहुत रेयर मिलती है एंड जिनके पोर्टफोलियो में है ना, तो सो वो तो मालामाल हो गए होंगे। मैं आपको ये कहूंगी, देखिए अभी भी पोटेंशियल लगती है ये कंपनी 200% का और रिटर्न देने का, 200-300% का। देखिए किसी भी कंपनी में अगर इन्वेस्ट करते हो, अगर आपका पैसा लाइक 300-500 तक का टारगेट बना लो, 600 तक का टारगेट बना लो, या फिर 100% का रिटर्न लेकर आप वहां से मूव ऑन हो, निकल जाओ, ठीक है, प्रॉफिट बुक करो और अपना निकल जाओ। लेकिन ये आप इस स्टॉक को आप लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख सकते हो। जैसे मैं आपको एक रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, बस एक गाइड कर रही हूँ कि हाँ इसको लॉन्ग टर्म के पीरियड पे आप स्टॉक को लेकर चल सकते हैं। कहाँ कभी ये स्टॉक आपको 25-23 रुपए में देखने को मिलता है, 18-19 रुपए में भी आया था, 2020 से देखो 17 रुपए में देखने को मिला था। उसके बाद देखो कितनी तगड़ी तेजी पकड़ी, कोई नहीं सोचा था कि ये आरबीआई स्टॉक इतना भाग जाएगा, ठीक है। सो गाइस मैं आपको ये कहूंगी, खुद स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।